हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आज हम आप लोगों को लेके जाने वाले हैं रमन रेती के लिए, जो कि ब्रज में आता है और मथुरा से करीबन 22 किलोमीटर दूर होगा। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में और हमारे साथ ये दो लोग हैं, मेरे फ्रेंड ही हैं, जो जाने वाले हैं अभी रमन रेती के लिए। तो चलिए अब आपको अंदर की सीन दिखाते हैं क्या क्या होने वाला है। तो हम अभी निकलते हैं रमन रेती के लिए। तो दोस्तों, फाइनली हम रमन रेती पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, मैंने अपनी बाइक को पार्क कर दिया है। अब आप लोगों को हम अंदर के सीन दिखाने वाले हैं क्या क्या होता है। तो चलिए आप दोस्तों, जैसे ही आप रमन रेती के निकट आते हैं तो आपको यहाँ पे हिरन देखने के लिए मिलते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हिरन को बाजरा वगैरह खिला रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों, ये है रमन रेती का मेन गेट, यहाँ से एंट्री होती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ पे गेट पे ही, ये देखिए आप, यहाँ पे एक जूते चप्पल रखने के लिए हॉल बना रखा है इन्होंने। आप इसमें निःशुल्क रख सकते हो अपने जूते चप्पल, उसके बाद आपको आगे चलना है। आइए तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, मंदिर बंद होने का समय 12 बजे से 4:30 बजे तक है। मतलब क्या, 12 बजे से और 4 बजे के बीच में आते हो यहाँ पे, तो आपको ये मंदिर जो है बंद मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी शांति है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं और ये देखिए आप जो देख रहे हैं, घर बने हुए हैं, लकड़ी के बने हुए हैं। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको बहुत ही शांति मिलने वाली है यहाँ पे। ये देखिए, जो मेरे दोनों फ्रेंड्स हैं जो घूम रहे हैं, मज़े ले रहे हैं इस रमन रेती के। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे में बालू ही बालू है। अगर आप गर्मियों में आते हो तो आपको बहुत ही ठंडा ठंडा महसूस होने वाला है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे आते हो और अगर आपको भूख लगती है तो यहाँ पे खाना भी मिलता है, जिसे भंडारा बोलते हैं। तो देखिए, अभी हम भी खाने वाले हैं यहाँ पे कुछ। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको क्या होता है आगे। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पीछे थालियाँ रखी हुई हैं, यहाँ से आपको थालियाँ लेनी हैं। और ये जो पीछे बाबा बैठे हैं, ये आप खाना देने वाले हैं। और जो लोग खाना खा चुके हैं वो यहाँ पे अपने बर्तन अपने आप धोकर और उनको यहाँ पे रखने होते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या है खाने में, मैं भी खाता हूँ खाना। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने ये थाली ले ली है और आप खाना लेने जा रहे हैं। ये जो रोह है इसमें खाना मिलता है, ये बाबा बैठे हुए हैं, ये खाना देने वाले हैं। चलिए मैं देखता हूँ क्या क्या मिलने वाला है खाने में। ये चावल है और यहाँ पे आपको बेसन मिलने वाला है, जिसे कढ़ी बोलते हैं। कुटिया है, इस कुटिया में बैठ कर खाना खाने वाले हैं। और ये देखिए हमारे पीछे एक हमारा फ्रेंड बिहारी जो है लगा हुआ हाथ से खाने के लिए। तो गाइस, फाइनली हम खाना खा चुके हैं, अब हम उसको बर्तन धोने हैं यहाँ पे। दोस्तों, ये देखिए वो है कुटिया जिसमें हमने खाना खाया था। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा दिख रहा है, पूरी लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे इधर साइड में तो झूले वूले लगे हुए हैं, जैसे कि आपके साथ के छोटे बच्चे आते हैं तो उनको आप यहाँ पे झुला सकते हो। बाकी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ श्री रमण सरोवर, जिसे बोलते हैं यहाँ पे। बस हम पहुँचने वाले हैं, आप इधर देख सकते हो मेरे बच्चे, जो है वो रमण सरोवर। चलिए दिखाता हूँ। फाइनली हम सरोवर पर पहुंच चुके हैं, आप यहां पर देख सकते हैं पीछे का सीन कैसा है, पानी भरा हुआ है इसमें अभी। और अभी इसमें ठंड चल रही है, इसकी वजह से कोई यहां पर नहा नहीं रहा, वरना गर्मियों में यहां पर लोग नहाते रहते हैं। और इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है, इसलिए यहां पर तार लगे हुए हैं, इससे अंदर कोई नहीं जा सकता है क्योंकि अंदर बहुत गहरा है इसलिए।
और आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा है। फाइनली दोस्तों, वैसे इसको रमण बिहारी सरोवर के नाम से ही जाना जाता है। जो यहाँ पे जो भी आता है और इसका जल, पवित्र जल को स्पर्श करना होता है। इसमें नॉर्मली जब भी गर्मियाँ होती हैं तो लोग यहाँ पे नहाते हैं, लेकिन अब सर्दियाँ हैं तो इसी सिर्फ हाथ मुँह धो के ही काफ़ी अपना जो जल है पवित्र जल को स्पर्श ही करना काफ़ी होता है इसके रिगार्डिंग। ओके ओके, तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे क्या होने वाला है। तो हम अभी घूम रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरे पीछे ये देखिए, ये लिखा हुआ है जय श्री कृष्ण, पत्थरों से लिखा हुआ है। कितना अच्छा लिखा है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला। अब तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं यहाँ मंदिर के थोड़े से बाहर। दोस्त बताना चाहूँगा, यहाँ पर संत रसकान ने यहाँ पर तपस्या की थी, जिसके बाद यहाँ पर श्री कृष्ण रमण बिहारी जी का, यहाँ पर श्री शरणानंद महाराज जी ने यहाँ पर उनका मंदिर भी बनवाया था। पूरा आश्रम उन्होंने श्रद्धालुओं के यहाँ पर अपूर्वा भ्रमण किया गया है। और पहले यहाँ पर 1978 की बाढ़ आने से पहले यहाँ पर पूरा रेती रेत था, जिसके बाद यहाँ पर आत्मानंद महाराज को यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने साक्षात अपने दर्शन दिए थे। उसके बाद यहाँ पर पूरा जो ये स्थान है वो पूरा पवित्र हो चुका है। पूरा पवित्र होने के बाद यहाँ पर जो महामंडलेश्वर शरणानंदी महाराज जो है, उन्होंने पूरे इस आश्रम का भ्रमण किया है, जिसमें यहाँ पर सभी भक्तजन आकर अपने सब कुछ यहाँ पर जो रेती है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पीछे काफ़ी रेती है, जिसमें आप आकर सारे भक्तजन यहाँ पर पूरा भ्रमण करते हैं श्री कृष्ण जी का। तो गाइस चलिए अब चलते हैं घर के लिए, टाइम हो चुका है, बहुत देर हो गई हमको घुमाते घुमाते आपको। तो बताइएगा ये ब्लॉग कैसा लगा, और हमारा नया चैनल है सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, अब हम मिलते हैं आपको नई वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो बाय बाय।